ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 36 ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਲੋ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੇਲੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਐਰਬੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। डेलो तो अवतार डेलो की खास रिपोर्ट। पंजाब की हर एक खबर देखने लिए साढ़े इस चैनल में सबसक्राइब करो। जी सिंह पिंड हिमाचलपुरा जी पार्टी नहीं है जी साड़ियाँ जिहड़ियां वक् वक् जथेबंदियां जिहड़ी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन लाल झंडा पट्ठा मजदूर यूनियन ते बाकी होर जिहड़ी मजदूर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ते होर बाकी जिहड़ियां जथेबंदियां लोगों के बिच रही ने उन्हां वल्लों एक जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे ने सद्दा दिता सी जिहड़ा कि 25 जून 1975 में एमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लाई सी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय भी जिहड़ियां विरोधी तरह से उन्होंने परचे दर्ज करके जेलों में डकया सी। अज भी मोदी सरकार वल्लों ही किया जा रहा एक पासे किसानी अंदोलन चल रहा जिहड़े मोदी सरकार ने जिहड़े काले कानून जिहड़े बनाए ने उन्होंने रद्द करवाउण लई ते अज जे उन्हां दे पक्ष दे विच कानूनां नूं रद्द करवाउण लई कोई आवाज़ बुलंद करदा ते मोदी दी सरकार वल्लों उन्हां ते जिहड़े परचे दर्ज किए जा रहे हैं ते उह अंदोलन नूं फेल किया जा रहा। धन्यवाद जी। खेतीबाड़ी बचाओ तो जमहूरीत बचाओ के सदे से सारे देश के दिन मना का सदा दिता सारे सूबे दियां राजधानियों के लखां की गिनती किसान हो कट्ठे होकर मंग पत्र दे रहे हैं। इस ढंग के ना थले लोग लखां ही एक्शन आ जिहड़े कर रहे हैं मोदी के पुतले फूक रहे हैं। अज का दिन क्यों चुनिया क्योंकि 25 जून 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी जिहड़ी कांग्रेस की उस समय की प्रधान भी सी उस समय की प्रधानमंत्री भी सी उन्हें अपनी सरकार दीयां कुरीतियां नूं छुपाउण वास्ते उहदी सीट अनसीट कर दित्ती सी अपनी गद्दी कायम रखण वास्ते देश दे विच एमरजेंसी ला दित्ती सी सारे विरोधियों नूं चक के जेलां सड़ दित्ता अखबारां ते पाबंदी ला गई सेंसरशिप कोई प्रेस नहीं चल सकती ते पुलिस दा राज हो गया सी। उह 19 महीने चलिया 19 महीने लोग लड़े 19 महीने बाद लोगों ने एमरजेंसी दे जदों चकी गई इंदिरा गांधी का सफाया कर दिता। अज मोदी वो तो कितने अगे बढ़ गया एक पासे जिथे सारे कारोबार चाहे खेतीबाड़ी आ चाहे वह BSNL आ बैंकों ने LIC आ कोल इंडस्ट्री आ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ ये सारा ही कारपोरेट अदारियां नूं उडानियां बानियां दे रहा खेती उन्होंने हवाले कर रहा। दूजे पासे मोदी ने इस अपनी नीति नूं लागू करन वास्ते हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लागू करन वास्ते फाशीवाद राज स्थापित करन वास्ते बहुत सारे काले कानून जिहड़े बना ले ने जिवें 3 खेती दे कानून पास किए 4 कोड मजदूर विरोधी पास कर ले बिजली बिल 2020 पास कर लिया पराली विरोधी एक्ट पास कर लिया इवें जिवें UAPA के तहत हज़ारां ही जिहड़े कारकुन ने इनकलाबी उन्होंने चक के जेलों सुटिया होया जिहड़ा सरकार के खिलाफ बोलता वो तो देश द्रोही का परचा दर्ज कर देंगे ने अदालतों ने अपने फैसलों दस दिता भी ये कानून नहीं बनता सारा ये दोष नहीं बनता ये सारा धक्का कोई कानून की लंघना नहीं। इस ढंग नाल अज मोदी है जिहड़ा वो सूबे के अधिकार एक तो बाद एक हो रहा जिथे पुलिस का काम उथे INA राही अपनी पुलिस का दखल बढ़ा रहा टैक्स ने जिहड़े वो सूबियां कोले खो के सेंटर कोले लै गया सारा कारोबार विद्या की नीति वो मतलब सेंटर बना रहे जिन्हों सारे धर्म के नाँ पर वंडिया लिखा जाना। सो असी ये समझते हैं भी जिहड़ा किसानां दा अंदोलन दिल्ली दीआं रूहां ते चल रहा वो किसान अंदोलन सिर्फ 3 खेती कानून लागू करन बारे नहीं है वो किसान अंदोलन ने लोगों की नब्ज़ ते हथ रखी है भी जिहड़े शहरी आजादियां ते जमहूरीयत ते हमला काले कानून बनाए जा रहे हैं पुलिस की धक्केशाही हो रही है जां होर वर्गों का धक्का हो रहा उहदे खिलाफ असीं सारे डट के लड़ांगे। सो अज साहब तुसीं जिहड़ा आने वाली विधानसभा दे चोणां दे संबंध विच वोटरां नूं की संदेश देना चाहुंदे हो? असीं इह सुनेहा देना चाहुंदे हां बड़ियां वोटां आईआं बड़ियां पईआं सरकारां बणीआं ते गईआं लोकां दा तजर्बा दसदा खूह चों निकले ते खाते च गए चोणां वेले झूठे वादे करदे ने कई वारी तो 101% झूठे करते हैं वो वादे
चोणा तक ने उदू बाद कोई उन्हें अमल नहीं किया जाता। जो अकाली बीजेपी के सरकार दे विच हुंदा सी चिट्टा बिकदा सी रेते की ब्लैक हुंदी सी विरोधियों से झूठे परचे दर्ज हुंदे सी भ्रष्टाचार सी कमीशन सी सारा अज भी उही चल रहा। यही कारण भी अज जिहड़ी कांग्रेस दे विच जिहड़ी खाना जंगी होई आ उहदा कारण यह भी लोगों ना जिहड़े मसले वादे किए से हल नहीं हुए। जोधा साहब एक कैप्टन साहब ने ना अपने नज़दीकी कांग्रेसी मुंडिया नौकरियां दित्तियां ने जी सरदार बाजवा दे उन्होंने विषय में की कहना चाहते हैं? बड़ी चर्चा क्योंकि आपको पता भी कैप्टन के खिलाफ बहुत सारे मंत्री बहुत सारे MLA ने जोड़े वो खुल के खड़ गए हैं विरोध कर रहे हैं सरकार को खतरा वो हर एक 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 MLA अपीज करने की कोशिश कर रहा। दरअसल वो नहीं है असं नहीं कहते जे कोई अतवाद का शिकार होया उन्हूं कोई ना मिले अतवाद का शिकार तो बहुत भी हुए हैं अतवाद का शिकार तो असं भी हो मेरी गड्डी बंब ना उड़ी है साडे घरां ते हमले हुए हैं पर इत्थे जिहड़ा क्राइटेरिया वो MLA नूं अपने नाल जोड़न दा भी वो साडे नाल खड़न और हुण देखा बड़ी बेशर्मी नाल फतेह जंग सिंह बाजवा दे मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े मुंडे ने उत्थे कहा जी असीं त्याग करते हैं अज तक चुप रहे वो त्याग नहीं है लोगों का प्रेशर बन गया जिमें श्रीमती की अपने हरसिमरत कौर ये तो प्रेशर बनया सी इन्हें पहला ऑर्डिनेंस की समर्थन किया प्रचार किया जो अंदोलन बनया लोगों का इन्हें इस्तीफा देता अज अंदोलन बनया वो मजबूरी नूं इस्तीफा दे रहे हैं। इस करके जितों तक चोणां का संबंध है असी लोगों नूं अपील करते हैं भी देश पंजाब के किसानों ने बड़ा वड्डा बीड़ा चुकया इन्होंने हैराना उठाया सारा देश उठाया इन्होंने सारी दुनिया के बीच किसान अंदोलन की चर्चा कराती भावें एक अंदोलन लंबा चले गया पर अंदोलन मुकल वाला नहीं ये जित के ही होगा। साढ़े सामने सब नो बड़ा मसला भी अंदोलन जितना चाहिए तुसी एमरजेंसी के जनवरी 1977 एमरजेंसी चख हुई मार्च चोणा हो गई इस समय सरकार पार्टियां भी बन गई तो इलेक्शन मुहिम भी चल पी अज जिन्नियां पार्टियां लगियां होईयां ने उन्हां दा कोई लोकां दे मसलियां नाल लल्ला खखा नहीं है। लास्ट संदेश की देना चाहुंदे? मैं संदेश दे देना चाहुंदा वी जिहड़ियां पोलिटिकल पार्टियां ने इह पहलां अंदोलन नूं चलण देण जे अपने महमे पिंडां च लैके जाणगे लोक वंडे जाणगे इहदा फायदा मोदी नूं होऊगा। महीना दो महीने पहलां जो मर्जी कर लैण बहुत समां हुंदा दो महीने दा चोणां हुंदियां पंचायतां दीआं दूजियां सारियां लड़ियां जाणियां ने अज कैंडीडेट ऐलान रहे ने अज बहस कर रहे ने उन्हां दा लोकां नाल कोई मुद्दा नहीं। इस करके असीं लोकां नूं बेनती करते हैं अपील करते हैं साडा अंदोलन केवल तो केवल साडा मोर्चा ये जितना इहनूं जितने वास्ते किसी पिंड दे विच पोलीटिकल पार्टियां दे नाँ ते वंडियां पैंदियां ने लोकां नूं आपस विच ही वंडिया जांदा वह बड़ा घातक सिद्ध होगा। हाँ चोणां लड़नियां ने चोणां लड़न दे महीना डेढ़ महीना बहुत आ दो महीने बहुत ने किसान मोर्चे ने भी यह फैसला कर देना भी अपना काम करो पर अज जेकर इस नूं भखाया जांदा मोर्चे दे उपर दी इहदा फायदा केवल तो केवल कारपोरेट अदारे केवल तो केवल मोदी की फाशी सरकार इहनूं फायदा होगा। धन्यवाद जी। अंबेडकर मिशन न्यूज़ चैनल।